मॉम, इन फूकों से कुछ नहीं होने वाला। ये फूके नहीं है मेरी जान, ये दुआएं हैं। मैं जानती हूं तुम्हारा यकीन नहीं है, लेकिन मेरा तो है ना। तुम अपने यकीन के साथ चलो और मैं अपने यकीन के साथ चलती हूं। और मेरा यकीन ये है कि इंसान जो करता है खुद करता है, खुदा इसके लिए कुछ भी नहीं करता। तुम इतने बदगुमान मत हो, दुनिया में कोई भी काम उसके हुक्म के बगैर नहीं चलता। उसके हुक्म के बगैर तो इंसान सांस भी नहीं ले सकता। तो फिर शनाया को मारकर क्या मिला उसे? इस राज को वही जानता है, तुम और मैं नहीं जान सकते। मुझे इतनी जरूरत थी शनाया की, हमारी जिंदगी का आगाज ही हुआ था। ठीक तरीके से उसकी मोहब्बत में महसूस ही नहीं कर सका, और उसने शनाया को छीन लिया मुझसे। इतना गिड़गिड़ा के रोया था उसके सामने में शनाया की जिंदगी के लिए। और क्या किया उसने? मुझे दिखा दिया कि दुआओं की कोई हैसियत ही नहीं, कुछ भी नहीं। उसके राज फौरन पता नहीं चलते हैं बेटा, वक्त आने पर पता चलते हैं। शनाया के कातिलों को सजा नहीं मिली, इसमें क्या मसले थे? मेरा ईमान और यकीन है बेटा, जो काम नहीं हो रहा उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है। और मेरा ईमान और यकीन यह है कि जो काम नहीं हो रहा वो इंसान खुद करना ही नहीं चाहता। या अल्लाह, इस पर रहम करना, इसके दिल के दुख तो तू ही समझता है, इसके दुख की दवा भी तू ही करना। इसे माफ कर दे मेरे मौला, और इसके दिल और दिमाग को सुकून दे दे।